दिनारा थाना पुलिस ने गांजे की खेप के साथ झांसी के रहने वाले 3 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। शिवपुरी से गांजे की खेप को झांसी ले जा रहे थे। दिनारा थाना पुलिस ने अलग अलग की गई चेकिंग के दौरान शिवपुरी जिले से झांसी जिला ले जा रहे गांजे के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तस्करों के पास से 15 किलो से भी ज्यादा गांजे की खेप को बरामद कर 3 आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पकड़े गए 3 गांजे तस्कर झांसी जिले के रहने वाले हैं, जो गांजे की खेप को झांसी की ओर ले जा रहे थे। दिनारा थाना प्रभारी संतोष भार्गव के मुताबिक छितीपुर और से गांजा तस्करी की सूचना के बाद पिछोर दिनारा रोड दबरातुरा है, पर छितीपुर तरफ से आने वाले वाहनों को रोककर चेक किया था। इसी दौरान एक बाइक UP93BR2894 पर सवार 2 लोगों को रोककर तलाशी ली गई थी। दोनों के बैग में 9 किलो 850 ग्राम बरामद हुआ था। वहीं पूछताछ में दोनों ने अपना नाम कल्लू उर्फ उदय सिंह पाल पुत्र मुन्नालाल पाल 28 वर्ष और रमाकांत पाल पुत्र प्रागीलाल पाल 26 वर्ष बताया था। दोनों ही झांसी जिले का रक्सा थाना क्षेत्र के बसाई गांव के रहने वाले हैं। थाना प्रभारी संतोष भार्गव ने बताया कि एक और गांजा तस्कर को प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी से ऊपरी झांसी हाईवे रोड पर लगाई गई चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। आरोपी करायरा की ओर से झांसी की ओर बाइक पर सवार होकर जा रहा था। चेकिंग के आरोपी के बैग से 5 किलो 890 ग्राम गांजा बरामद किया गया। आरोपी ने अपना नाम शेर सिंह पुत्र मनीराम पाल 30 वर्ष बताया है। उक्त पकड़ा गया आरोपी भी झांसी जिले रक्सा थाना क्षेत्र के बसाई गाँव का ही रहने वाला है। पुलिस ने कुल 15 किलो 740 ग्राम गांजा और 2 बाइकों को जब्त कर 3 आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। रानु राजपूत, संवाददाता, दिनारा। सर, कल दिनारा पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई? सर देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध शराब, अवैध गांजा, अवैध हथियार के तहत और एवं टाउन गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभियान चल रहा है। उसके दौरान हमारे थाना प्रभारी दिनारा श्री संतोष भार्गव जी को मुंबई द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति करेरा दर से गाड़ी से आ रहा है, उसके बाद अवैध सामान गांजा वगैरह कुछ हो सकता है। उस आधार पर इन्होंने चेकिंग कर उस व्यक्ति को रोका, जो CT 100 गाड़ी से आ रहा था। गाड़ी नंबर UP 93 DB 5716, उसको रोक के नाम पूछा। उसने अपना नाम शेर सिंह कुछ मनीराम पाल 30 साल निवासी बासई थाना रखा उत्तर प्रदेश का उन्होंने बताया। उसने पिट्ठू बैग टांगा था, उसको चेक किया जिसमें 5 किलो 890 ग्राम सूखा गांजा कीमती 5,68,500 रुपये का पाया। उसके कब्जे से मोटरसाइकिल और गांजा जब्त किया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसे आज न्यायालय पेश किया जाएगा। सर, जी, इसका कोई अन्य अपराध रिकॉर्ड दिनारा थाने में? सर, ये क्योंकि UP का रहने वाला है, झांसी जिले में रक्सा थाने का बासी गांव का है, इसका रिकॉर्ड हमारे थाना प्रभारी बुलवाएंगे, अभी कार्रवाई हुई इसका रिकॉर्ड। सर, इसके सरगना तक पहुंचने की दिनारा पुलिस कार्रवाई करेगी क्या? बिल्कुल कार्रवाई करेगी। उसी तारतम्य में एक और कार्रवाई आज हुई है 8 तारीख को, जिसमें चौकी प्रभारी रामानंद कचोरी को सूचना मिली कि इधर बचोर साइड तरफ से छिजीपुर तरफ से मोटरसाइकिल आ रही है, उसको उन्होंने रोककर चेक किया, जिसके 2 व्यक्ति थे पिट्ठू बैग टांगे हुए थे, जो अलग अलग 2 व्यक्ति को रोका, जिसमें उनके पास मोटरसाइकिल के मांग UP 93 BR 2894 थी, जिसमें एक व्यक्ति जिसने अपना नाम रमाकांत पाल निवासी पासई और दूसरा व्यक्ति पीछे बैठा कल्लू उदय सिंह पाल नाम बताया, जिनके पास अलग अलग 5 किलो 330 ग्राम गांजा एवं 4 किलो 520 ग्राम गांजा, टोटल गांजा 9 किलो 850 ग्राम जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत पाई गई। दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। दोनों में थाना प्रभारी दिनारा संतोष भार्गव, इनके ASI जो है विवेक भट्ट, ASI सिसोदिया सोमरन सिंह और चौकी प्रभारी रामानंद बचोरी, सारे थाने की भूमिका।